सुषमा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। राज ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि वो 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अभी देखा जा रहा है कि उनके खिलाफ अयोध्या में एक मुहिम चल रही है और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर राजनीति जो है वो राज ठाकरे और बीजेपी के बीच थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या से सांसद बीजेपी के यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह जो है वो उन्होंने मुहिम छेड़ दी है अब राज ठाकरे के खिलाफ। दरअसल उनका कहना है कि राज ठाकरे अयोध्या का दौरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ पहले जो बयान दिए थे सबसे पहले उन्हें वापस लेना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी, इसके बाद ही वो अयोध्या आ सकते हैं। और अब देखने को मिल रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो घूम घूम कर ये मुहिम छेड़ रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से राज ठाकरे, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि 5 जून को वो अयोध्या आएंगे, उनके आने पर रोक लगाया जाए। और आज इसी कड़ी में वो गोंडा जाएंगे और गोंडा में वो वहां के साधु संतों के साथ मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी मुलाकात होने वाली है और कहा जा रहा है कि अयोध्या से लगभग बहुत ही तादाद में जो है साधु संत इस मीटिंग में आने वाले हैं, और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या मुहिम वो आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ राज ठाकरे के खिलाफ लगातार जो है ब्रिजभूषण सिंह ने मुहिम छेड़ी हुई है, उन्हें रोकने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह राज ठाकरे जो है अयोध्या ना आ सके। और इस मुहिम में जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को भी जोड़ने की शुरुआत कर दी है। जिस तरह से वो इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे का इस पर क्या एक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो 5 जून को अयोध्या के दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पर सांसद ही नहीं चाहते हैं कि राज ठाकरे अयोध्या आए। सबसे पहले उनकी यही मांग है कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को अपने बयान वापस लेने पड़ेंगे जो उन्होंने उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ कहा था, और साथ ही माफी भी मांगनी पड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 जून से पहले क्या ये मुहिम और बढ़कर आगे आती है और क्या सच में राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर राज ठाकरे को अपनी ये जो यात्रा है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो यहाँ रुकने वाले नहीं है। वो ये मुहिम लगातार इसकी जो है वो शुरुआत कर दी गई और लगातार इसे लेकर आगे चल रहे हैं जब तक राज ठाकरे की माफी नहीं आ जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे इस पूरे मुद्दे पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।